मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मां दंतेश्वरी को नमन करते हुए विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर अपनी शुभकामनाएं देते हुए जनजाति समुदाय के देवी देवताओं को नमन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार ने सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस पर शासकीय अवकाश देने की शुरुआत की है। आदिवासी पर्व सम्मान निधि की दूसरी किस्त जारी की गई है। ये पहली बार हुआ है कि आदिवासियों के जो त्योहार हैं, पर्व हैं, उसके लिए सम्मान निधि 10,000 रुपए सालाना देने का निर्णय लिया गया, ताकि आदिवासी भाई बहन उल्लास के साथ अपने त्योहार पर्व मना सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में 100 करोड़ का इंडोर स्टेडियम निर्माण की घोषणा भी की। श्री रतन कश्यप जी अध्यक्ष बस्तर संभाग भतरा समाज, श्री लेखन बघेल अध्यक्ष जिला बस्तर भतरा समाज, श्री हरि प्रसाद पन्ना अध्यक्ष उराव समाज, महेश लकड़ा सह सचिव उराव समाज, सुरेन बघेल अध्यक्ष कंवर समाज, संदीप सिंह उपाध्यक्ष कंवर समाज, श्रीमती कल्पना नाग संभागीय उपाध्यक्ष ध्रुवा समाज, श्री गंगाराम कश्यप संभागीय महासचिव ध्रुवा समाज, श्री चेरगू राम नाग जिला सचिव ध्रुवा समाज, श्री हिरमा मंडावी संभागीय अध्यक्ष कोया कुटुंब समाज, देवदास कश्यप जिला अध्यक्ष कोया कुटुंब समाज, श्रीमती रुकमणी कर्मा जिला अध्यक्ष महिला प्रभाग कोया कुटुंब समाज, बाबूलाल बघेल अध्यक्ष मुंडा समाज, शाहदुर नाग मुंडा समाज, श्रीमती कंसुला बघेल मुंडा समाज, श्री जगदीश चंद्र मौ जिला अध्यक्ष मुरिया समाज, श्री मंदन नाग संरक्षक मुरिया समाज। संबोधन के लिए ससम्मान आमंत्रित हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री TS सिंहदेव जी। समय बहुत हो गया है और हम लोग पूर्व निर्धारित कार्यक्रम से बहुत पीछे चल रहे हैं, तो आप सबको जोहार प्रणाम। मंच पे उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, सम्माननीय लखेश्वर बघेल जी, सम्माननीय मेयर साहिबा, जगदलपुर के सम्माननीय विधायक जी, रेखचंद जी, सभी साथी जो मंच पे उपस्थित हैं, विभिन्न समाज के आए हुए प्रमुख, शासन के प्रशासन के पदाधिकारी, कमिश्नर साहब, IG साहब, कलेक्टर साहब, SP साहब, CO साहब, सभी विभागों के प्रमुख, आज सर्वप्रथम विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आप सभी बहनों और भाइयों को, बहु बेटियों को, सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आदिवासी का अर्थ ही आदिकाल से पृथ्वी पे वास करने वाले, बसने वाले मानव से है और पूर्व मानव समाज का उत्थान आदिम समय से बसे हुए वासियों से ही हुआ है, आदिवासियों से ही हुआ है। मंच में उपस्थित हमारे उप मुख्यमंत्री महाराज सरगुजा TS सिंहदेव जी, मंत्री भाई कवासी लखमा जी, बस्तर प्राधिकरण के अध्यक्ष भाई लकेश्वर जी, यहाँ के विधायक भाई रेखचंद जैन जी, राजमन जी, मिथिलेश स्वर्णकार जी, महापौर सफीरा साहू जी, राजीव शर्मा जी, बलराम मौर्य जी, कविता साहू जी, अनीता पोयाम जी, मनीष शर्मा जी, सुशील मौर्य जी, समाज प्रमुख बुरिया समाज से श्री जगदीश मौर्य जी, कोया समाज से देवदास कश्यप जी, अल्बा समाज से लोकनाथ नाग जी, मुंडा समाज से बाबूलाल बघेल जी, धुरवा समाज से महादेव नाग जी, भतरा समाज से लेखन बघेल जी और गुणवाना समाज से SS सेवता जी, आदिवासी ध्रुवगुड़ समाज से लीलेश्वर ध्रुव जी, मंच में बैठे हुए सभी हमारे अतिथिगण और सभी हमारे अधिकारीगण, उपस्थित देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों और पत्रकार साथियों, आज 9 अगस्त है। पूरे दुनिया में बहुत हर्षोल्लास के साथ आदिवासी भाई बहन आदिवासी दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। समाज के विकास की बातें कर रहे हैं और लगातार किस प्रकार से आदिवासी संस्कृति को बचाए रखना है इसकी चिंतन मनन कर रहे हैं। आदरणीय साथियों, पूर्ववक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये कहना जरूर चाहूंगा
हमारे साथियों ने जैसा बताया कि 1984 से ये विश्व आदिवासी दिवस पूरी दुनिया में मनाने का फैसला किया। आज का दिन 9 अगस्त आदिवासियों के लिए समर्पित, बहुत लंबे समय से सब साथी मांग कर रहे थे, लेकिन हमारी सरकार सबसे पहले विश्व आदिवासी दिवस के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई और इसके लिए मैं समस्त आदिवासी समाज और उनके जनप्रतिनिधियों को बधाई देता हूं कि जिनके संघर्ष का सुपरिणाम है कि ये